प्रेरणा कथा काम रोग और मृत्यु। दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी इंडियंस में ये एक बहुत चर्चित पौराणिक कथा है। ये कथा उनके समाज में हजारों वर्ष से एक पीढ़ी के द्वारा दूसरी पीढ़ी को सुनाई जाती रही है। वो लोग कहते हैं कि भगवान ने सबसे पहले मनुष्य को बनाया और ये निश्चित किया कि मनुष्य को कुछ काम न करना पड़े। उनको घरों की जरूरत नहीं थी, न कपड़ों की, न खाने की जरूरत थी। वो 100 वर्ष तक जिंदा रहते थे, उनको बीमारी कभी भी नहीं छूती थी। कुछ समय बाद भगवान ने फिर से देखा कि मनुष्य अपना जीवन कैसे बिता रहे थे। उन्होंने देखा कि वो सुखी जीवन बिताने के स्थान में एक दूसरे से लड़ रहे थे। वो अपने जीवन को ही बुरा भला कह रहे थे। भगवान ने स्वयं से कहा, ये शायद इसलिए हुआ है कि सभी मनुष्य अलग अलग रह रहे हैं। भगवान ने समस्या के समाधान के लिए मनुष्यों के लिए काम करना जरूरी कर दिया। उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी कि बिना परिश्रम वो जीवित नहीं रह सकते थे। भगवान ने ऐसा कुछ किया कि मनुष्यों को सर्दी और गर्मी से बचने के लिए अपने घर बनाने जरूरी हो गया था, उनको खेती करना भी जरूरी हो गया था, और उनको अन्न का उत्पादन करके खाना जरूरी हो गया था। भगवान ने सोचा, काम के कारण अब ये मनुष्य एक दूसरे के पास आ जाएंगे। वो अकेले तो यंत्र बनाना, घर बनाना, खेती करना, कपड़े बुनना इत्यादि नहीं कर सकते थे। वो समझ जाएंगे कि इकट्ठा रहकर काम करने से वो सुखी जीवन जी सकेंगे, इस तरह उनमें एकता हो जाएगी। कुछ समय बीत जाने के बाद भगवान ने एक दिन फिर से ये देखना चाहा कि मनुष्य क्या कर रहे थे। वो देखना चाहते थे कि क्या मनुष्य खुश थे, परंतु भगवान ने देखा कि वो तो पहले से भी बुरी हालत में थे। मनुष्य छोटे छोटे समूहों में बंट गए थे। एक समूह दूसरे समूह पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास कर रहा था। वो दूसरे समूहों के द्वारा किए हुए काम अपने अधिकार में ले रहे थे। वो समूह स्वार्थी हो चुके थे और अपने समूह का ही फायदा देखना चाहते थे। ये देखने के बाद भगवान ने यह निश्चित कर दिया कि मनुष्य को अपनी मृत्यु का समय ना मालूम हो। पहले तो वो 100 वर्षों तक जीवित रहते थे। भगवान ने कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी कि मनुष्य कभी भी मर सकते थे और उनको जानकारी भी नहीं होनी थी। भगवान ने सोचा कि मृत्यु के डर से मनुष्य शायद विनम्र हो जाएंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, परंतु ठीक इसके विपरीत हुआ। कुछ दिनों बाद भगवान ने देखा कि मनुष्यों की अवस्था पहले से भी बुरी हो गई थी। शक्तिशाली मनुष्यों ने कमजोर लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था और वो कमजोर लोगों को मृत्यु की धमकियां देने लगे थे। सबसे शक्तिशाली मनुष्य और उनके बच्चे कुछ भी काम नहीं करते थे और कमजोर लोगों से काम करवाने लगे थे। मनुष्य अपने अपने समूहों में रहने लगे थे और एक समूह दूसरे समूह से घृणा करता था। वो बहुत ही दुखी थे। भगवान ने अंत में अंतिम फैसला लिया। भगवान ने बहुत प्रकार के रोग भी मनुष्यों के लिए पृथ्वी पर भेज दिए। भगवान ने सोचा कि शक्तिशाली लोगों को भी ये महसूस हो जाएगा कि वो भी रोग ग्रसित हो सकते थे और इसके कारण वो कमजोर लोगों से अच्छा व्यवहार करने लगेंगे। कुछ दिन बाद भगवान फिर से ये देखने आए कि मनुष्य कैसे जीवन बिता रहे थे। उन्होंने देखा कि मनुष्य और भी विभाजित हो गए थे। अब गरीब लोग शक्तिशाली बीमार लोगों की सेवा में लगे थे। गरीब बीमार लोग ऐसे ही बिना किसी देखरेख के मर रहे थे। शक्तिशाली लोगों ने देखा कि बहुत से रोग बीमार लोगों से उन तक भी पहुंच सकते थे, इसलिए उन्होंने बीमार लोगों को दूर ही रखना शुरू कर दिया था। भगवान ने कहा, अब भी अगर मनुष्य ये नहीं सीखे हैं कि उनकी खुशी कहाँ है, तो उनको दुखों से ही सीखने देना चाहिए। लाखों वर्ष तक मनुष्य दुख सहते रहे। अभी कुछ ही शताब्दियों पहले मनुष्य ने कमजोरों को सताना कम कर दिया है, परंतु अभी भी अत्याचार हो ही रहे। कुछ लोग समझने लगे हैं
कि प्रेम से सबके साथ मिलकर रहना चाहिए। अब लोग बीमारों, गरीबों और कमजोर लोगों की मदद करने के लिए आगे आने लगे हैं। वो लोग प्रेम के महत्व को अब समझने लगे हैं। अब लगता है कि भगवान के सोचे अनुसार आने वाली कुछ शताब्दियों में मनुष्य एक दूसरे के साथ प्रेम से जीना सीख ही लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो अपने विचार नीचे लिखकर औरों को भी ज्ञान वृद्धि करने में सहयोग कीजिए। हम आपके आभारी रहेंगे।